गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस के बहुत यूज करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि हम बहुत देर तक खाली बैठे और बातें की। तुम बहुत देर से खाली बैठे हो, अब कुछ काम भी कर लो। तुम हमेशा खाली बैठे रहते हो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है खाली बैठना। खाली बैठना इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीट आइडल, सीट आइडल। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है सीट आइडल और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो आप सीट देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि सीट, सैट, सीटिंग, सीट्स, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हम बहुत देर तक खाली बैठे और बातें की। वी सैट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टॉक्ड। वी सैट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टॉक्ड। क्या आपको खाली बैठना पसंद है? डू यू लाइक सीटिंग आइडल? डू यू लाइक सीटिंग आइडल? खाली क्यों बैठे हो? वाई आर यू सीटिंग आइडल? वाई आर यू सीटिंग आइडल? तुम हमेशा खाली बैठे रहते हो। यू आर ऑलवेज सीटिंग आइडल। यू आर ऑलवेज सीटिंग आइडल। मैं खाली नहीं बैठा हूँ यहाँ। आई एम नॉट सीटिंग आइडल हियर। आई एम नॉट सीटिंग आइडल हियर। वो खाली बैठा है। ही इज सीटिंग आइडल। He is sitting idle. क्या तुम्हें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता? Don't you like sitting idle? Don't you like sitting idle? तुम बहुत देर से खाली बैठे हो, अब कुछ काम भी कर लो। You have been sitting idle for a long time. Now do some work too. You have been sitting idle for a long time. Now do some work too. खाली मत बैठो, एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज कर दो। डोंट सिट आइडल, रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। डोंट सिट आइडल, रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। वो खाली बैठा है। ही इज सिटिंग आइडल। ही इज सिटिंग आइडल।